बुलाई है, क्या कारण है? जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं 26 तारीख को यहाँ दिल्ली में आया हूँ और यहाँ पर हमने कल जो हमारे देश के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनको एक रिपीट एक मेमोरेंडम दिया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान मुझे ये मालूम हुआ, एक तो हमारे जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है कंप्लीट, जिसमें SPOs से ही शुरू होता है और सारी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नाइंसाफी होती है, कई चीज़ें सामने देखने को आती है और वहाँ के जो हमारे पुलिस के चीफ हैं उनको इन चीज़ों से कोई जानकारी या कोई भी हमदर्दी या भी कोई भी मसला वो हल करने के मूड में नहीं होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक आर्मेट विंग है, एक IRP है, IRP की पोस्टें आर्मेट में चले जाती है, आर्मेट की पोस्टें इधर का उधर, मतलब यहाँ वहाँ पर एक पक्षपात जैसे है, एक उन्होंने पक्षपात का जो वहाँ के पुलिस के साथ किया जाता है वो अरूज पर है और वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है। इसलिए हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है कि ताकि एक जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ को हिदायत जारी की जाए कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे DG साहब है या LG साहब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं यानी हार्डशिप अलाउंसेस, बाकी अलाउंसेस जो है बाकी फोर्सेस से बहुत कम दिए जाते हैं। और उसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में आर्मेड पुलिस है, IRP है, IRP एक बटालियन जो IRP की काफ़ी बटालियन हैं उनकी जो पोस्ट हैं वो आर्मेड में चले जाती है, यानी जो बटालियन बनती है उसकी जो पोस्ट सेंक्शन पोस्ट होती है उसकी पोस्टें दूसरे जगह पर दी जाती है और वो लोग जो जिनका जो हक बनता है वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। और हमने पिछली बार ये डिमांड की थी कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर वेतन दिया जाए, ऑल अलाउंसेस जो है उनके तर्ज पर दिया जाए। जैसे आप जानते हैं कल की बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारा एक SPOs भाई फिर से शहीद हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट जो है पुलिस हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फ्रंटलाइन पुलिस है, जब भी कोई इनकाउंटर या किसी भी किस्म का कोई इस किस्म का हादसा होता है या कोई इनकाउंटर होता है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे SPOs भाई सामने जाते हैं और उसके बाद जो हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं वो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल पुलिस जो है उनको फ्रंट लाइन यानी फ्रंट पे जाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी CRPF के तर्ज पर सारे सुविधाएं दी जाए जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इंसाफ मिले और जिस चीज़ के वो हकदार है। जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस में कोताहियां बरती जा रही है उसके लिए हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और कल मैंने पूरी कोशिश की थी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात करने की और वो हमने कागज़ दे भी दिया है और वो बिजी रहने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। और पिछली बार मैं गवर्नर साहब को भी देखे आया जैसे इन्होंने कहा था। और एक बात बताना चाहूँगा, मेन बात बताना चाहूँगा कि जो एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब हैं उनको जब हमने ये लेटर दिया था, हमारे जम्मू कश्मीर के जो SPOs हैं उनको रेगुलर और एक्सपेंशन रिलीफ वगैरह वगैरह जिन चीज़ों से वो महरूम हैं वो चीज़ें पूरी हो जाए, वो आज हमें हमने एक तो इनके बारे में जो जम्मू कश्मीर के हमारे SPOs भाई हैं सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचे। और मैं बताना चाहूँगा कुछ राजनेता जो हैं वो इन लोगों को गुमराह करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इन लोगों की आवाज़ को पिछले 7 साल से दिन रात एक करके उठाया। मैं उन राजनेताओं को यह बताना चाहता हूँ कि आप बिलाशक इसका क्रेडिट ले लीजिए, हमें क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के SPOs को उनका हक मिले। जब हम कोर्ट में जाते हैं उस वक्त गवर्नमेंट को याद आती है, कभी किसी के पास वो कहते हैं कि हमें ये बना दो फिर हम आपका ये काम करेंगे। शर्म आनी चाहिए जो हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो हम लोगों की दिन रात रक्षा करते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत को, जम्मू कश्मीर UT को, जम्मू कश्मीर के लोग यानी ऑल जितने भी VIP हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर,
हर एक के साथ हमारे एसपीओस भाई बतौर पीएसओ ड्यूटी कर रहे हैं, हर एक एमएलए, एक एमएलए, एक मंत्री के घर, बड़े बड़े अफसरों के घर, आठ आठ दस दस एसपीओ काम कर रहे हैं। जब इनकी राइट्स की बात आती है, इनके हकूक की बात आती है, सबकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये मैं कहना चाहता हूं, अगर एक शख्स काम कर रहा है उसके ऊपर उंगलियां आप उठाते हो? जम्मू कश्मीर के लीडरों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक तरफ से बड़े बड़े वादे करते हो आप इलेक्शन के दौर में, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब कोई काम करता है उसके ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर है आप अपने गिरबान में देखो, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी भी पावर पे हम नहीं है। पिछले छह साल से, सात साल से जमीनी सतह में हमने एसपीओस की बात को उठाया, आज बड़े बड़े गिद्ध, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े लीडर पैदा हो चुके हैं। मेरे भाई, हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिले, क्रेडिट कोई भी ले ले, हमें क्रेडिट का कोई मतलब नहीं। हम राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं करते, हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करते हैं, और उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ा वक्त के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आज हमारी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है, ये मैं बताना चाहूंगा, और तमाम एसपीओस को ये बताना चाहूंगा, आज आपको भी थोड़े थोड़े, ये जो मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप एकजुट रहिए, आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, अगर इन लोगों को जरा भी आपके साथ हमदर्दी होती तो कई साल पहले आपका आपको हक दे दिया गया होता। आज भी कौन सा इनके पास कमी है? एक आर्डर इशू कर सकते हैं ये, जम्मू कश्मीर के आल एसपीओस को रेगुलर कर दीजिए, जहां पर भी हम जाते हैं टांग अड़ाते हैं। ये आपके फेवर में नहीं है, ये बताना चाहता हूं मैं, ये आपके वफादार नहीं है। बात जी बाली जी, जो अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वहाँ, क्या उनसे आपकी कभी चर्चा हुई है इस बात को लेकर कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उसकी खुशहाली के लिए क्या कदम उठाए जाए? जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात मैं करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजेस, यानी 200 रुपीज, 150 रुपीज पर डे सैलरी लेने वाले लोग सड़कों पर हैं। कई कई महीनों से, कई कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाब देखते हैं, उनको ये पहले, उनको ख्वाब तो बड़े बड़े हैं उनके, मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को काम के, लोगों के साथ काम, जो लोग वहां पर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, एक डेली वेजर को आप तनख्वाह देने की बात अगर आपसे पूछा जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, भाई आपने तो बहुत कुछ किया है, हम सब कहते हैं, मगर आपने अपने घर के लिए किया है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। लोग आपको जवाब देंगे आने वाले वक्त में, कहीं गलती में आप नहीं रहिए। 90% लोग सड़कों पर क्यों हैं? डेली वेजर सड़कों पर क्यों हैं? ये पूछता है सेवा सिंह बाली। सर आप ये बताइए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बाकी विपक्षी पार्टी, आप नाम दे सकते हैं किसी विपक्षी पार्टी जो सपोर्ट नहीं कर रही है या जो साथ नहीं दे रही है? जैसे रविंद्र रैना जी वहाँ के अध्यक्ष है बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो रविंद्र रैना जी, मैं कोई पार्टी का नाम, गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? वहां पर 90% अगर 90% तबका जो सड़कों पर है तो किसका फेलियर है? ये सेवा सिंह बाली इलेक्टेड बेंच भी नहीं है। छह साल से रात दिन आवाज उठा रहा हूं, चीख चीख कर बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के 90% डेली वेजर रोज सड़कों पर है बेचारे, हजारों लोग मेरे से रास्ते में रहते हैं। जब इनके पास कोई मीडिया का बंदा जाता है पूछने के लिए, मोदी साहब ने ये कर दिया, मोदी साहब की हम रेस्पेक्ट करते हैं, मोदी साहब को हम थैंक्स करते हैं, मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमेशा हमारी बात भी सुनी, मगर जो जमीनी सतह के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो लोगों के बुनियादी सहूलियत से महरूम रखने में उनका बिल्कुल 100% उनका हाथ है। आज उनको मर्जी लग रही है, कोई भी लीडर अगर आवाज उठाता है उस वक्त उनको मोदी साहब याद आ जाता है। 90 पर मैं कई
कई जगहों पर गया, कई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। डेली वेजर का मतलब है अगर कोई डाक बंगला आपका खोलना है वो डेली वेजर खोलेगा, हॉस्पिटल में कोई छोटा स्टाफ काम करता है पीएचई में छोटा स्टाफ काम करता है यानी डेली वेजर। बिजली में आप देखोगे वो बेचारे डेली वेजर्स काम करते हैं, पूरा लाइट का काम डेली वेजर करते हैं और उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। क्या ये समस्या एक ही विभाग में है कि अलग अलग विभागों में? मैं कहता हूँ 90% जो छोटा तबका है हमारा यानी जम्मू कश्मीर में, आप मीडिया से हैं, आपके पास रिपोर्ट आती है, आपसे कुछ छुपा हुआ, और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट जो है वह जम्मू कश्मीर का वो बताना चाहता हूँ। ये चीजें मैं लेके हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप तक पहुंचा और उन्होंने मुझे समर्थन दिया, सपोर्ट की। अब जम्मू कश्मीर के उन बरसाती मेंढकों को, बरसाती जो मेंढक की तरह आते हैं, जैसे जब भी कोई हालात बनती है उस वक्त वो सामने आ जाते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि सेवा सिंह बाली की बातों से बेहतर है आप अपने लोगों के साथ अपने लोगों का काम कीजिए जो डेली वेजर सड़कों पर है। मेरे को बोलते जनाब इनका मसला हल करो, इनकी तनख्वाह दे दो। हाँ जी, मोदी साहब ने बड़े काम उल्टे सीधे, और जो जमीनी सतह पर लोग हैं मैं बताना चाहूंगा, आशा वर्कर्स, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सोशल वेलफेयर, रेबरे खेल और आरईटी टीचर्स, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो सड़कों पर है जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर, और कई कई साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली, कई लोगों ने खुदकशी भी कर दी, सुसाइड कर दिया। क्या ये चीजें उनको नहीं दिखती है? अगर कोई आवाज उठाता है, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ये आवाज लेकर। आज वहां के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं हमने सब कुछ हमने कर दिया, मोदी साहब ने कर दिया। भाई मोदी साहब करेंगे तो मोदी साहब कोई एहसान थोड़ी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री है वो, हम सबके प्रधानमंत्री है। कोई जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री हो उनको कहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, क्यों नहीं कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, हम सबका प्रधानमंत्री है वो। आप जिससे कह रहे हैं उनको कई कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही जी, उनका घर कैसे चल रहा है? और मैं कहता हूँ कहीं लड़कों ने सुसाइड कर दिया जनाब, यह ऑन रिकॉर्ड है, कहीं हमारे भाई उनके मार्च में कहीं बच्चों को फीस तक वो नहीं दे रहे। मैं जम्मू कश्मीर का दौरा करके आया हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, कहीं कहीं लोग महीनों से यानी साल में 2 महीने से ज्यादा किसी भी डेली वेजर को पे नहीं मिल रही है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, उस तरफ ये कोई तवज्जो नहीं देते। जो प्रोटेस्ट करते हैं वहां पर कोई तहसीलदार तक उनको सुन लेने वाला नहीं जाता है। क्या इन सब की मांगों को लेकर आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करें? मैं दिल्ली में प्रोटेस्ट, मैं प्रधानमंत्री साहब को एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है, हम फिलहाल प्रॉपर चैनल चलना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के इन लोगों को लेकर जब हम सड़कों पर आ जाएंगे तब जम्मू कश्मीर के उन लीडरों को जो खाली भाषण से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं उनको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने क्या किया है, उसका जवाब आने वाले वक्त में उनको दिया जाएगा, यही मेरा पैगाम होगा।